अटेंड किए, सबसे ज्यादा दुख की बात है। तो लाइफ में एक बार आप लोग भी जरूर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय रायन ट्रैवल ब्लॉग पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो मैं हूँ रिहान। तो फिर से मेरा ब्लॉग पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एक्चुअली मैं आया हूँ आपका लाचुंग पे। कल गैंगटॉक से आया था, तो अभी रिसेंटली मैं अपना गेस्ट को लेने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग का प्लान है, तो अभी हम लोग पहले आपका कटाव जाएंगे, कटाव के बाद फिर कटाव को ख़त्म करके उसके बाद हम लोग युमथांग वैली जाने वाला है। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे ये मुझे नहीं पता, फिर भी आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी हम लोग कटाव जाने वाला है, तो कटाव का लोकेशन कैसा रहेगा इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को जरूर दिखाने वाला हूँ। रिसेंटली हम लोग तो कटाव पहुँच गए हैं। तो ये एक्चुअली कटाव के पास एक खंडा वाटरफॉल। तो चलिए अभी सभी टूरिस्ट लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सुबह आया था, तो गाड़ी कम है, 2-3 गाड़ी है। अभी बहुत ज़्यादा गाड़ी भी आने वाला है। तो चलिए मैं बाहर से पूरा व्यू कटाव का कैसा है सब कुछ इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कटाव का व्यू दिखाता हूँ। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये है मेरा गाड़ी। तो अभी कटाव का व्यू देखिए आप, पीछे पूरा व्यू देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये खंडा वाटरफॉल, तो मेरा गेस्ट यहाँ पे है, फुल एंजॉय। पूरा नीचे देखिए, ओ भाई क्या सीन है। तो चलिए थोड़ा मैं आगे का व्यू आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो ये पूरा देखिए मेरा पीछे स्नो से भरा हुआ मन कटाव। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो जरूर विजिट कीजिए। तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये गेस्ट, उतना ऊपर मत जाइए, गिर जाएगा, ऊपर मत जाइए ना, गिर जाएगा, अभी आप पूरा ठंडा हो जाएगा। फिर आप लोग को भी जरूर इस व्यू को एंजॉय करने को मिलेगा। तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो अभी हम लोग यहाँ से युमथांग के लिए निकलेंगे, तो देखते हैं आज युमथांग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो ये पूरा डॉगी भी मेरे साथ आगे आगे चल रहा है, यहाँ चला ला। भाई ये भी बहुत एंजॉय कर रहा है बर्फ में। लिख दिया नाम, नाम लिख दिया ना, तो देखा है तो मस्त। क्या लिखा है आपने? जय बालवी माँ। उली को हटी जाना, तड़की हो तो देखा है। हाँ 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 हाँ, अभी दिख रहा है, बढ़िया, फुल एंजॉय। कटाव का वाटरफॉल काफी आवाज कर रहा है, तो आप लोग भी जरूर विजिट कीजिए कटाव, काफी सुंदर जगह है। तो ये देखिए, देखिए भैया गेस्ट कितना एंजॉय कर रहा है, देखिए पूरा कपड़ा खोल दिया। ब्रांडी पी रहा है क्या? ब्रांडी पी रहा है? वाह। तो हाँ, आप लोग को कटाव कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैंने कटाव का व्यू पूरा इस वीडियो के द्वारा दिखा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाला है युमथांग वैली के लिए। तो ये जितना भी आवाज़ आ रहा है ना, ये पूरा कटाव का वाटरफॉल का आवाज़ है। तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक मिनट बंद रहे, एक मिनट खाली बंद रहे। अभी रिसेंटली हम लोग युमथांग वैली
फाइनली पहुंच गया। तो ये पूरा व्यू देख सकते हैं, ये पूरा दिखे, पूरा जो भी व्यू है ये पूरा वैली है। तो अभी हम लोग आया है कटाव से, कटाव को घूम के उसके बाद वैली पे आया। तो अभी देखिए ये पूरा मार्च का जो आज है 1 तारीख, तो ये देखिए पूरा व्यू। आप लोग भी ज़रूर आइए, मिस मत करिए। अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा आगे व्यू और दिखाता हूँ। तो ये जो पीछे वाला रोड है ये आपका 0 पॉइंट जाते हैं यहाँ से, लेकिन आज से 0 पॉइंट का रास्ता शायद बंद है, क्योंकि प्रॉपरली 0 पॉइंट नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि इसीलिए हम लोग भी 0 पॉइंट नहीं जा रहा है। तो ये पूरा जो भी है ये पूरा आज युमथांग वैली तक की है। तो चलिए मैं थोड़ा आगे का वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली आज ही से युमथांग वैली खुला है, तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये नीचे ये जो दिख रहा है ये पूरा वैली है आपका। अप्रैल के बाद पूरा यहाँ पे फ्लावर खिलना शुरू होता है। तो ये देखिए नज़ारा, ठंडा लग रहा है क्या? ठीक है, गाड़ी में बैठे, हम लॉक खोल दिए। बाकी लोग नीचे चला गया क्या? वो जूता पहन लिया। चलिए गाड़ी में बैठे। ओ ठीक है ठीक है। तो मेरा बाकी गेस्ट लोग नीचे चला गया, तो हाँ एक सर को थोड़ा तकलीफ हो गया तो गाड़ी पे बैठ गए। मुझे भी पार्किंग नहीं मिला, मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया पूरा बर्फ के ऊपर। मजा कर रहा है अब। हाँ हाँ, मैं गाड़ी लेके आया हूँ। यह माइनस कर सकते हैं? माइनस थोड़ा आगे जाके, ऐसे पब्लिक प्लेस पे मत कीजिए, फिर देखेंगे। चलिए रेडी रेडी। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। ओ बाइक उधर से? ओ बहुत अच्छा व्यू मिल गया ना, वेदर भी क्लियर है। की वजह से वेदर वेदर क्लियर है। कल आए थे, कल तो ऐसे ही घर में बैठे रहे रूम में। सिक्किम 2-3 बार अटेंड किए, सबसे ज्यादा दुख की बात है गुरुदंगमा नहीं जा पाए। गुरुदंगमा अभी मार्च के बाद ही खुलेंगे शायद। हाँ मार्च के बाद, ये बहुत दुख की बात। मेन पॉइंट वो भी है गुरुदंगमा लेक। सबसे बड़ा लेक है। मैं 2-3 गेस्ट के साथ बात किया, वो लोग को भी बड़ा अफसोस है कि गुरुदंगमा लेक अभी तक नहीं खुला है। तो आप लोग भी जैसे गुरुदंगमा खुलेंगे तो मेरा वीडियो भी आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर से आपको युमथांग वैली का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी तो मतलब इतना ज़्यादा स्नो है कि जूता लेट कर गीला हो जाएंगे। तो पूरा ये देखिए मेरा बैक साइड, ये पूरा आपका पहाड़ आप पूरा देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देखिए हवा भी काफ़ी चल रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर आइए युमथांग वैली विजिट किए। देखिए नज़दीक से, वाओ ब्यूटीफुल। अभी मैं बहुत यहाँ से पूरा व्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ। रेडी 1 2 3 कोई गाँव ना चाहिए ना। वाह
बच्चे लोग को अगर आइसक्रीम चाहिए ना तो मैं एक आइसक्रीम बना देता हूँ। तो इसलिए मेरा फ़ोन को यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं फ़ोन से ही ब्लॉग को बनाता हूँ, शूट करता हूँ। तो ये अभी मैं आइसक्रीम बना दे रहा हूँ, कुल्फ़ी कुल्फ़ी हम लोग यहाँ हम लोग को यहाँ पे ख़रीदना नहीं पड़ता है, तो कुल्फ़ी बनाएंगे, कुल्फ़ी कुल्फ़ी। तो ये देखिए कुल्फ़ी, ये हो गया आपका कुल्फ़ी। तो इसको वाह मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। तो चलिए मैंने पूरा यमदंग वैली का वीडियो पूरा आप लोग को दिखा दिया इस मेरा ब्लॉग पे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग को मेरे तरफ से गुड बाय एंड जय हिंद।